नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मिर्जापुर के बथुआ स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, जिसमें ईवीएम की सुरक्षा के लिए सभी पार्टियों के कार्यकर्ता परिसर में बराबर निगाह रखे हुए हैं। इस बीच सपा ने आरोप लगाया है कि मिर्जापुर में स्ट्रॉन्ग रूम में प्रवेश करने की नीयत से पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे की दीवार तोड़ दी गई है। जिलाधिकारी मिर्जापुर भाजपा प्रत्याशी के रिश्तेदार हैं, इसलिए मतगणना के दौरान निष्पक्षता संभव नहीं है, न ही वो किसी प्रकार की शिकायत पर कार्रवाई कर रहे हैं। सपा ने कहा है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले एवं जिलाधिकारी को मतगणना प्रभावित करने से रोके। चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही पार्टियों के बीच पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि अगर ध्रुवीकरण की कोशिशें सफल हो जाती हैं तो ये दुख की बात होगी। वहीं दूसरी ओर अगर संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कोशिशें सफल हो जाती हैं तो ये बड़ी राहत की बात होगी। एग्जिट पोल में भाजपा की शानदार जीत की भविष्यवाणी पर चिदम्बरम ने कहा, मैं एग्जिट पोल पर टिप्पणी नहीं करता, मुझे 2004 के एग्जिट पोल याद हैं। सी वोटर के शुभम देशमुख ने एग्जिट पोल पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में वोट शेयर दिखाना चाहिए, चीट शेयर नहीं। उन्होंने कहा कि वो तो चैनल के संपादक गला पकड़ लेते हैं, इसलिए सीट शेयर दिखाना पड़ता है, जबकि वोटों का कोई लेना देना नहीं है सीट से। उन्होंने कहा कि बहुत बार होता है कि कम वोट शेयर वाला अधिक सीटें जीत जाता है। 30% वोट पाने वाली पार्टी बहुमत लेके आती है। इसके साथ ही यशवंत देशमुख ने एग्जिट पोल्स पर कहा कि वोटों का देख तो पता चलेगा किस किस एजेंसी ने वोट शेयर किया ही नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल जारी होने के बाद फलौदी सट्टा बाजार ने एक बार फिर राजस्थान की 25 सीटों को लेकर नई भविष्यवाणी की है। ये चौंकाने वाली है। राजस्थान की बात करें तो भाजपा सभी 25 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस 9 से 10 सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त है। दूसरी ओर फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी को 18 से 20 और कांग्रेस को 4 से 6 सीटें दे रहा है। बता दें कि पिछले दो लोकसभा चुनाव से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पा रही थी, ऐसे में इस बार कुछ सीटें जीतने की आस से कांग्रेस खुशी का माहौल है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन के नेता एक बार फिर दिल्ली में जुटेंगे। गठबंधन के सभी दलों के नेताओं से कल देर शाम या परसों सुबह तक दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि सभी दल बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हो सकते हैं। एग्जिट पोल में गड़बड़ियों की ओर इशारा करते हुए मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, जो बीजेपी के नेताओं ने बोला बिल्कुल वही एग्जिट पोल में बोला है। पटवारी ने कहा कि एग्जिट पोल की भी अलग अलग कहानी है, जहां 4 सीट है वहां एग्जिट पोल में 6 सीटें दे दी गई, जहां पार्टी 3 सीटों पर लड़ रही है वहां एग्जिट पोल ने 6 सीटें दिखा दी। उन्होंने कहा ये देश के भविष्य का चुनाव है जिसमें अरबों खरबों खर्च होते हैं, ऐसे में एग्जिट पोल में जिस तरह की विसंगतियां सामने आई हैं उस पर सवाल खड़े होते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच क्या बात हुई इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा आयोग के सामने उठाए गए पोस्टल बैलेट समेत सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। भारतीय चुनाव प्रणाली ऐसी है कि यह चुनाव के बाद जांच की अनुमति देती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, इसके आधे घंटे बाद ही हम ईवीएम की गिनती शुरू कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग के खिलाफ लापता जेंटलमैन के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि वो लोग कभी बाहर नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने अपने प्रेस नोटों के माध्यम से संवाद का तरीका चुना, जिनमें से 100 से अधिक प्रेस नोट मतदान के दौरान जारी किए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहे कर्मचारियों की तारीफ करते हुए राजीव कुमार ने कहा, नेगेटिव नैरेटिव जब बनते हैं तो इनको कितनी तकलीफ होती होगी। बता दें जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि जिला अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। इस बारे में राजीव कुमार ने कहा कि मतगणना से पहले बताना चाहिए कि किन डीएम पर असर डाला गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अफवाह फैला दें। कई राजनीतिक दलों ने हमसे मांग की, हमने वो मांग मान ली, कुछ पहले से हमारे नियम वाली पुस्तिका में है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजा गया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में अंतिम चरण के मतदान के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुंबई में धीमी गति से मतदान के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। इसी बात का संज्ञान लेते हुए अब चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मतगणना के दौरान बीजेपी किसी भी साजिश षड्यंत्र में शामिल हो सकती है। उन्होंने मतगणना में धांधली किए जाने की आशंका जताई है।
बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सपा नेता ने कहा कि इसके लिए मतगणना धीमी करवा कर रात में बत्ती गुल करवाई जा सकती है। उन्होंने एग्जिट पोल में जुटे लोगों का बीजेपी से संबंध होने और मतगणना से पहले एक माहौल तैयार करने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही उन्होंने वोटिंग के बाद काफी ज्यादा बड़े मतदान प्रतिशत को लेकर संदेह जताया। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर सोनिया गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है। एनडीए की बड़ी जीत की भविष्यवाणी कर रहे एग्जिट पोल को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों से पूरी तरह विपरीत होंगे। बता दें, एक दिन पहले रविवार को ही राहुल गांधी ने इन एग्जिट पोल को खारिज कर दिया था और एग्जिट पोल को मोदी मीडिया पोल करार दिया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत के अनुमान पर सोमवार को प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के बारे में कहा कि जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 295 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। दिग्विजय बीजेपी के बहुमत का आंकड़ा पार करने के अनुमान पर बोले, अगर 300 पार है तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम का वोट है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग स्टडीज यानी CSDS लोकनीति ने अपने सर्वे में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिलने की बात कही। CSDS के मुताबिक लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 40% हो सकता है। कांग्रेस का वोट शेयर इस सर्वे में 23% बताया जा रहा है। CSDS ने बताया कि यह सर्वे चुनाव बाद करीब 20,000 लोगों के घर पर जाकर किया गया है। इस सर्वे को करने का तरीका सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग बताया गया है। CSDS ने अपने सर्वे में कहा है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। भारत में सारे एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं, वहीं विपक्ष ने दावा किया है कि ये मोदी का एग्जिट पोल है और धांधली से प्रेरित है। आपको बता दें कि हमेशा एग्जिट पोल सही साबित नहीं होते हैं। बंगाल चुनाव का उदाहरण तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित हुए हैं। जैसे 2020 में एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की थी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा। बिहार में 139 से 161 सीटों के साथ चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया था। असल में नतीजे में एनडीए को बहुमत मिल गया और महागठबंधन सिर्फ 110 सीटों पर सिमट गया। अपनी परफेक्शन के लिए मशहूर एग्जिट पोल एजेंसियों में से एक एक्सिस माई इंडिया ने एक बयान जारी कर जनता का मूड भांपने में अपनी गलती स्वीकार की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017, छत्तीसगढ़ में हाल ही में 2023 का चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 के अन्य उदाहरण हैं जहां एग्जिट पोल बिल्कुल सही नहीं थे। लेकिन एक उदाहरण जिसे अक्सर बोला जाता है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस को भरोसा है कि 2024 में 2004 रिपीट होगा। 2004 के एग्जिट पोल में भविष्यवाणी की गई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाला एनडीए 240 से 275 सीटों की आरामदायक जीत के साथ सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल यानी मंगलवार को सुनवाई होगी। 21 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया ने पूरे मामले में अपने पद का दुरुपयोग किया है, साथ ही घोटाला सामने आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिटाए हैं। भाजपा ने सिक्किम में 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाई है। राज्य के निवर्तमान सदन में उसके 12 सदस्य थे। सिक्किम विधानसभा के नतीजे रविवार को घोषित किए गए, जिसमें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 में से 31 सीट जीतकर सत्ता बरकरार रखी है। इस नतीजे के बाद लोग कह रहे हैं कि एक तरफ पूरे देश में बीजेपी की लहर की बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर सिक्किम में बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS के लिए जासूसी करने के आरोप में नागपुर की एक जिला अदालत ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के इंजीनियर निशांत अग्रवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अग्रवाल को 14 साल का सश्रम कारावास भी भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने उन पर 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब तक के सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।